खुदा से इस पल मेरी लड़ाई किस मोड़ पे है लाई आशिकी। सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका हूं आप लोग के लिए न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग। तो गाइस, अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से क्या करना है। और गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको अलाइट मोशन का जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो आप इसको इजीली मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। तो आपको सबसे पहले करना है कि आपको प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा, एक है सिक इफेक्ट और एक है बीटमा प्रोजेक्ट। अगर आपको नहीं आ रहा डाउनलोड करना तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हाउ टू डाउनलोड माई मटेरियल्स वाला, आप उस वीडियो को देख लेना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा किस तरह से आप जो है मेरे मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने बीटमा प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का लिरिक्स वगैरह देखने को मिल जाएगा, और आगे में कुछ इस तरह से बीट्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि आपको डबल बीट वर्क दिख रहा है, यहाँ आना, डबल क्लिक करना है और प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से क्लिक करके आपको क्या करना है, आपको अपने फोटो को सिलेक्ट करना है। तो आपको सिंपली कोई भी अपने फोटो लेना, थ्री डॉट पर क्लिक करना, फील कंपोजिशन एरिया कर देना। ठीक है, अगर आपका फोटो प्रॉपर एडजस्ट नहीं है तो आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है, और थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से, और फर्स्ट वाले ऑप्शन से इसको मूव कर सकते हो इधर उधर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट बीट पे आना है यहाँ पर, और जो है इस पर एक बार लॉन्ग प्रेस कर लेना और इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ तक ले आना। ठीक है, फिर प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना। तो गाइस, आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, अगर आप जरा से भी स्टेप को मिस करोगे तो आपका पूरा एडिटिंग खराब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपने दूसरे फोटो को लेना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया करना। ठीक है, नेक्स्ट बीट पर आना, और यहाँ से आपको क्या करना है, प्लस पर क्लिक करना, फिर मीडिया पर जाना, फिर आपको अपना दूसरा फोटो लेना, थ्री डॉट पर क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया करना, नेक्स्ट बीट पर आना। और देख सकते हैं कहीं कहीं पे आपको जो बीट के पास आपका पूरा इमेज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस तरह से क्लिक करके, इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ तक आपको अपने इमेजेस को लेके आना पड़ेगा। ठीक है, फिर प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पर जाना, और अब आपको कोई अपना दूसरा फोटो लेना है। ठीक है, कोई दूसरा फोटो लेना, थ्री डॉट पर क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया करना, नेक्स्ट बीट पर आना इस तरह से, और यहाँ से इसको यहाँ तक ले आना। तो इस तरह से गाइस, आपको अपने इमेजेस को जो है एक एक करके आपको यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सेम इसी तरह से वो करना है। ठीक है, फिर आपको आगे आना है, फिर देख लेना है, फिर थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन ये करना, नेक्स्ट बीट पे ट्रिम कर देना, फिर प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना, कोई दूसरा इमेज लेना, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन ये करना, नेक्स्ट बीट पे ट्रिम कर देना। तो गाइस, कुछ इस तरह से जो है आपको अपने इमेजेस को जो है एक एक करके ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो अपने इमेजेस को सब जगह ऐड कर देना इस तरह से, और नेक्स्ट बीट पे आगे ट्रिम कर देना। तो गाइस, ऐड करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली बैक आना है और आपको अपने सेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पे जाना है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको जो फर्स्ट इमेज दिख रहा है इस पर क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना। ठीक है, फिर सिंपली बैक आ जाना और आपको अपने बीट और प्रोजेक्ट पे जाना है, और यहाँ से स्टार्टिंग में आना है। ठीक है, और जो फर्स्ट इमेज दिख रहा है इस पर क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट इमेज को छोड़ देना, फिर यहाँ पर जो है नेक्स्ट इमेज में पेस्ट कर देना। तो गाइस, यहाँ पर जो है वन बाय वन करके जो है यहाँ पर आपको इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर पेस्ट कर दिया आपने, उसके बाद यहाँ पर जो छोटा ड्यूरेशन वाला इमेज है इसको भी छोड़ देना, फिर नेक्स्ट इमेज में यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पर इफेक्ट को ऐड करना है, और लास्ट में इस तरह से इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो गाइस, इस तरह से इफेक्ट को पेस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, सिंपली बैक आना है। ठीक है, और आपको फिर से अपने सेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पर जाना है, एचडीआर इफेक्ट जो आपका है, फिर सेकंड इमेज पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना। ठीक है, फिर बैक आ जाना और आपको अपने बीटमा प्रोजेक्ट पे जाना है और स्टार्टिंग में आना है, और जहाँ पर आपने इमेज को छोड़ा था वहाँ पर सिंपली इस इफेक्ट को पेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर आपको आगे देख लेना है कहाँ पर आपने छोड़ा था। तो गाइस, इस तरह से जो है आपको एक एक करके अपने इफेक्ट को पूरा एंड तक पेस्ट कर लेना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से क्या करना है। तो इस तरह से आप जो अपने सारे इमेजेस में जो है इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट में पेस्ट कर देते हैं। सो फाइनली गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सब इफेक्ट जो है कुछ इस तरह से पेस्ट हो गया। ठीक है, करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली बैक आना है और आपको अपने एचडीआर इफेक्ट पर जाना है,
और किसी भी एक लेयर पर लॉन्ग प्रेस करना, दो लेयर को सिलेक्ट करना, प्लस पे क्लिक करके कॉपी टू लेयर्स कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली बैक आना है, पीट ऑब्जेक्ट पे जाना, प्लस पे क्लिक करके पेस्ट टू लेयर कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको पूरा एंड तक आना है और यहाँ से दो लेयर को सिलेक्ट करना है, ठीक है, दो लेयर को जिस तरह से, और इस ऑप्शन पे क्लिक पूरा एंड तक ले आना। तो इस तरह से क्लिक करके पूरा एंड तक ले आना। उसके बाद आपके फोटो में काफ़ी अच्छा कलर ग्रेडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस जिस तरह से बताया, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, बिल्कुल सेम बन जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, शेयर वाला आइकन पे क्लिक करना है, वीडियो क्वालिटी को सिलेक्ट करना, जो भी क्वालिटी आप रखना चाहते हो इजिली आप रख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपका वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।